Hello everyone, a very warm welcome to all of you. So welcome back to the class, and today we are going to do chapter 2 ka part 2, that is decimal numbers. Theek hai, pichli video mein we talked about fractions, which was the part 1, and in part 2 we are going to talk about decimal numbers, right? So next we have ace your school exams with Unacademy. So this is about the Unacademy plus and iconic subscription, jiske bahut sare benefits hai aur bahut choti si cost hai. Theek hai, I'll tell you more about its benefits towards the end of the video. For more information you can visit the Unacademy learning app, and you can get flat 10% off if you use the code SPGSS10. So remember the code SPGSS10. Ye code use karke aapko aur bahut sasti subscription pe aur bhi zyada discount mil sakta hai. Right, moving forward, welcome to the class everyone. My name is Gurleen Singh. I am your maths educator. I have 2+ years of teaching experience through online and offline modes. Also, I am UGC NET qualified teacher. Right, so let's move forward. Let's talk about decimal numbers. So decimals are fractions with denominator as 10, 100, 1000. So basically zeros wale numbers. Theek hai? Jise for example, I write 327. So 327 divided by 100 करती हूँ. So I am going to count the number of zeros, and right hand side से counting शुरू करके 1, 2 I am going to put the decimal. So my answer is 3.27. ठीक है, 3.27. So basically अब अगर मुझे मेरे पास कोई number है, for example 5/2, right? So now I can convert it into a fraction जिसका denominator 10, 100, 1000, 10,000 इसके form में होगा. How? ठीक है, जहाँ पे डेसिमल है उसके नीचे आप डालोगे 1. ठीक है, डेसिमल के बाद जितने नंबर्स है उतना आपका आ जाएगा 0. सो दिस कैन बी रिटन एज 52/10. ठीक है, अगेन 52/10 को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, जितने जीरोज है उतने डिजिट्स छोड़ के आप पुट द डेसिमल, सो दिस बिकम्स 5.2. राइट, सिमिलरली ओके, आई हैव 3/100. अब 3/100 को मैं डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखूंगी? जितने जीरोज हैं उतनी प्लेसेस छोड़ के, सो राइट हैंड साइड से 1, 2, एंड यहाँ पे आ गया मेरा डेसिमल. तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं 0 पुट कर दूंगी, एंड इसके आगे एक 0, सो दिस बिकम 0.03, लाइक दिस. ठीक है, क्लियर टू एवरी वन? सेम सिमिलरली इफ आई राइट है 5/10,000. ठीक है, 5/10,000 लिखा, ये एक फ्रैक्शन है, अब इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सो लेट्स काउंट द नंबर ऑफ जीरोस, 1, 2, 3, 4. ठीक है, अब ये जो 5 था यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे राइट हैंड साइड से, एंड मुझे 4 प्लेसेस जाना है. सो 1, 2, 3, 4. सो यहाँ 0, 0, 0, डेसिमल एंड 0. ठीक है, क्लियर टू एवरी वन? अगेन अब जब मुझे इसे वापस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगी, कितने डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4. राइट, सो आई विल राइट 5/1, 2, 3, 4. ठीक है, सो अगेन ये 5/10,000 बन जाएगा. सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन. वी हैव डन डेसिमल्स इन आर अर्लियर क्लासेस, 6th में हम डेसिमल्स कर चुके हैं. सो आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम इन द बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेसिमल्स. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स. अब हमें कैसे पता लगता है कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है? इट इज़ वेरी सिंपल, जैसे ही हम होल नंबर्स का पहचानते हैं दैट विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर, सेम वी विल अप्लाई ऑन डेसिमल्स. फर्स्ट वन इज 86.78, देन वी हैव 80.45. तो ऑब्वियसली दोनों पहला, हम सबसे पहले देखेंगे पहला डिजिट. ओके, लेफ्ट हैंड साइड का पहला डिजिट 8 एंड 8, तो ये सेम है. देन लुक एट द सेकेंड डिजिट, ये 6 इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली दिस नंबर विल बी ग्रेटर. ठीक है, सेकेंड में देखते हैं, नाउ बोथ आर 74. ठीक है, तो अब हम डेसिमल के बाद वाली पोजीशन देखेंगे. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो ऑब्वियसली जो बड़ा वाला है उसी की तरफ एरो जाएगा. सो 74.67 इज ग्रेटर देन 74.51. एंड थर्ड वन, अब देखो 46 एंड 46 सेम है, तो अब मुझे डेसिमल की तरफ जाना पड़ेगा. सो दिस इज 7 एंड 7, अगेन सेम. तो अब मैं क्या देखूंगी, आई विल सी द नेक्स्ट नंबर. तो हम नेक्स्ट नंबर देखते जाएंगे, एंड जो भी नंबर मुझे बड़ा दिखेगा दैट विल बी ग्रेटर. सो 46.76 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 46.71. ठीक है, ये तो बच्चों का खेल है, यू पीपल विल बी एबल टू डू इट इजिली. राइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी अदर मेजर टॉपिक्स दैट इज अंडर आर डेसिमल सिस्टम. ओके ओके, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यूजिंग द डेसिमल. ठीक है, किस तरह से हम पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, रुपीज़ को पैसे में करेंगे. ठीक है, देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट केजीज एंड
यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, कि किस तरह से वी कैन यूज डेसिमल्स टू रिप्रेजेंट देम. ओके, कन्वर्ट 274 पैसे इनटू रुपीस. तो अब मुझे पता है दैट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, ठीक है. तो 1 पैसा कितना हुआ, 1 पैसा विल बी 1/100 रुपी, ठीक है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना. सो 1 पैसा विल बी 1/100 रुपी. अब मुझे किसको कन्वर्ट करना है, 274 पैसे को. सो 274 पैसे विल बी इक्वल टू 274/100, ठीक है. सो बेसिकली जब भी छोटे यूनिट को मैं बड़े यूनिट में कन्वर्ट करती हूँ, आई एम गोइंग टू डिवाइड इट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने यूनिट्स उसके अंदर है. सो इसमें डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, सो माई आंसर इज गोइंग टू बी, अब जितने जीरोज हैं उतनी प्लेसेस छोड़ के आई विल पुट द डेसिमल, सो दिस इज 2.74. सो 274 पैसे इंटू रुपीज इज रुपीज 2.74. तो इस केस में भी मुझे डेसिमल्स हेल्प करते हैं व्हेन आई हैव टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट्स इनटू बिगर यूनिट्स, ठीक है. स्मॉलर टू बिगर की तरफ जब हम जाते हैं, देन वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 100,000 या जितने भी उसके अंदर यूनिट्स हैं, देन वी विल पुट द डेसिमल. ओके, नेक्स्ट वी हैव कन्वर्ट 13 रुपीज एंड 9 पैसे इंटू रुपीज, ठीक है. सो ओके, 13 तो ऑलरेडी रुपीज है, अब मैं क्या करूंगी, 9 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करती हूँ, ठीक है. देन वील एड बोथ ऑफ देम. सो अगेन वी नो दैट 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपी, ठीक है. तो 9 पैसा कितना होगा, बेसिकली मैं 9 पैसा को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है. एक की वैल्यू गिवन है, ज्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं ना. सो 9 × 1/100 इज इक्वल टू 9/100. अब मुझे 9/100 जो मेरी फ्रैक्शन आई है उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में. सो दिस विल बी जितने जीरोज हैं उतनी प्लेसेस छोड़कर 1, 2 एंड डेसिमल. सो दिस इज 0.09 रुपीज, राइट. अब मुझे क्या करना है, 13 में ऐड करना है. ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स वी हैव डन इन आर प्रीवियस क्लासेस, 6th में हमने अच्छे से किया है. सो इसमें हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट वी नो कि जब भी मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो जो डेसिमल्स हैं वो एक के नीचे दूसरा होना चाहिए, दे शुड बी इन अ लाइन, दे शुड बी कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है. तो 13.0 मैंने ऐड कर दिया, 0.09. सो लेट्स ऐड देम, ठीक है. दिस इज 9, 0, decimal 3 and 1. सो माय आंसर इज रुपीज 13.09. सो अब ये पूरा का पूरा आंसर आ गया है रुपीज में. पहले क्या था, 13 रुपीज एंड 9 पैसे, नाउ आई कैन से इट इज 13.09 रुपीज, ठीक है. दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि 13 फुल रुपीज है एंड बाकी वी हैव 0.09 रुपीज. आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सॉल्व सम मोर क्वेश्चन ऑफ दिस फॉर्म. ओके, जस्ट अ सेकेंड. Okay, I thought the light is less. Okay, now it's fine. Okay, conversion of units using decimal mein. Next, we have 8 centimeter into meter and kilometer. ठीक है? So, okay, we know that 1 meter is equal to 100 centimeter. तो 1 centimeter कितना होगा? It will be 1/100 meter. ठीक है? छोटे को बड़े में convert करें तो हमेशा division होगी. So similarly, 8 centimeter कितना हो जाएगा? 8/100. ठीक है? Again, 2 digits छोड़ के 0 डालने, so my answer will be 0.08 meter. ठीक है? 8 centimeter can be written as 0.08 meter. ओके, अब मुझे 8 सेंटीमीटर को ही किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, राइट. तो 1 मीटर कितना हुआ, 1 मीटर हुआ 1/1000 किलोमीटर्स, राइट. एंड नाउ आई हैव टू कन्वर्ट दिस 1 मीटर ऑल्सो इंटू, यस, ठीक है. अब मुझे क्या करना है, इस 1 मीटर को भी मुझे और छोटे यूनिट में डालना है, दैट इज सेंटीमीटर में, ठीक है. सो वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है. तो अब इसका क्या है, व्हाट विल वी डू, ये जो 3 जीरोज मेरे किलोमीटर से आए थे एंड जो 2 जीरोज मेरे मीटर से आए हैं, दैट ऑल विल बी इंक्लूडेड इन सेंटीमीटर. सो एट द एंड 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1/ कितना, 3 जीरोज हो गए किलोमीटर के, जो मैंने किलोमीटर को मीटर में किया, एंड देन अगेन 2 जीरोज ऑफ कन्वर्टिंग मीटर इनटू सेंटीमीटर, ठीक है. सो दिस इज 0. सो अब मुझे क्या करना है, मुझे 8 को कितने जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है.
50 से डिवाइड करना पड़ेगा टू कन्वर्ट 8 सेंटीमीटर इंटू किलोमीटर्स. सो लेट्स सी, सो वील 8 से अब हम क्या करेंगे, 5 डिजिट्स काउंट करते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स द लेफ्ट. 1, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ आ गया मेरा डेसिमल, ठीक है, यहाँ 0 आएगा एंड यहाँ पे कोई डिजिट्स नहीं है तो यहाँ पे भी आएंगे 0. सो माय आंसर इज 0.00008 किलोमीटर्स, ठीक है. 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस मच किलोमीटर, मतलब इतना कम किलोमीटर, ठीक है. सो दिस व्हाट वी आर यूजिंग डेसिमल्स टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट्स इनटू लार्जर यूनिट्स. ओके, चलो, आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन. नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेस 11 kg एंड 6 g इंटू kg. तो 11 kg तो एज इट इज है, अब मुझे क्या करना है, 6 g को kg में कन्वर्ट करना है. सो अगेन वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 g. तो 1 g कितना होगा, ग्राम को अब मुझे kg में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना होगा. जब भी छोटे यूनिट को बड़े में करते हैं, सो वी आर गोइंग टू डिवाइड बाई 1000 एंड दिस इज 1/1000 kg, राइट. अब मुझे 6 g को अगर kg में कन्वर्ट करना है, दैट इज 6/1000 विच इज इक्वल टू 0.006, राइट. अब मैं क्या करूंगी, 0.006 को किस में ऐड करना पड़ेगा, 11 kg में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है. सो लेट्स ऐड देम, आई एम राइटिंग हेयर ऑन द टॉप. सो दिस इज 11 kg प्लस 0.006 kg. सो यू नो ये आंसर आएगा 11.006 kg इज माई फाइनल आंसर, ठीक है. तो ये यहाँ पे हमने आंसर लिखा है. आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन, ठीक है. ग्राम को पहले हमने अलग से kg में कन्वर्ट किया, 6 g को kg में कन्वर्ट किया, ओके, राइट. एंड देन वी आर गोइंग टू एड इट टू 11 kg, राइट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, श्यामा बॉट 5 kg एंड 300 g ऑफ एप्पल्स, 3 kg 250 g ऑफ मैंगोज, ठीक है. एंड सरला ऑल्सो ब्रॉट सर्टेन ऑरेंजेस एंड बनानास, ओके. हु बॉट मोर फ्रूट्स, तो कैसे पता लगेगा, ठीक है, हु बॉट मोर फ्रूट्स, या फिर कौन ज़्यादा, यू नो, अगर हम वेट की बात करें तो उसमें किसके पास ज़्यादा थे. सो नाउ लेट्स ऐड कि श्यामा जो है वो कितने फ्रूट्स लाई, ठीक है, श्यामा, ओके, 5 kg एंड 300 g ऑफ एप्पल्स. तो इसको अब मैं डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ पहले, ठीक है. 5 kg प्लस 300 g है, तो 3 g को जब kg में कन्वर्ट करते हैं, वी डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 0 से 0 तो कैंसिल आउट हो रहा है. ये कितना हो जाएगा, 5.3, क्योंकि ये दिस इज 3/10 ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.3 लिख सकते हैं. सो 0.3 प्लस 5 इज गोइंग टू गिव मी 5.3 kg, ठीक है. देन ऑल्सो, और वो क्या लेकर आई थी, 3 kg प्लस 250 g. अब अगेन 250 डिवाइडेड बाय 1000 होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3.25 kg, राइट. आई होप आपको कन्वर्जन्स याद है. तो अब हम इसको टोटल कर लेते हैं, ठीक है. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी हैव ऑलरेडी लर्न, 5.3 प्लस 3.25 kg, सो दिस इज 5, अगेन 5 एंड 5, 6, 7, 8. तो टोटल वेट उसका कितना है, 8.55 kg, राइट. अब हम चढ़ते हैं सरला की तरफ. सो सरला बॉट 4 kg एंड 800 g, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4.8 kg हो जाएगा व्हेन यू विल कन्वर्ट 800 g इनटू kg, ठीक है. एंड सेकेंड वो क्या लेकर आई थी, 4 kg एंड 150 g ऑफ बनानास, ठीक है. सो अगेन दिस विल बी 4.15 kg. इसका अब हम टोटल कर देते हैं. सो ओके, टोटल कर, तो एक चीज ध्यान रखनी है, लेट्स डू इट ऑन द साइड, 4.8 एंड दिस इज 4.15, ठीक है. तो कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए डेसिमल्स एक दूसरे के, यू नो, ऊपर नीचे. एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऐड देम, दिस इज 5, दिस इज 9 एंड दिस इज 8, सो दिस इज 8.95 kg, ठीक है, 8.95 kg है. सो नाउ वी कैन कंपेयर, वी कैन से दैट सरला ब्रॉट मोर वेट या फिर मोर अमाउंट ऑफ फ्रूट्स दैन श्यामा, ठीक है. सो बिकॉज वी अभी हमने देखा ना कैसे हम डेसिमल्स को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों 8 केजीज तो है, बट वो है 55 g और ये है 95 g, तो ऑब्वियसली सरला के पास ज्यादा फ्रूट्स हैं या ज्यादा वेट ऑफ फ्रूट्स है, ओके, राइट. लेट्स मूव फॉरवर्ड.
Okay, a tailor needs 35.25 meter of cloth for the shirts and 45.80 meter for trousers. How much cloth does the tailor need in all? ठीक है, so ये अभी addition of decimals कर रहे हैं हम. अभी soon we are going to move on towards our major topics of this class of class 7. That is of multiplication and division. ठीक है, okay. A tailor needs cloth required for shirts. ठीक है, शर्ट्स के लिए कितना चाहिए? वी नीड 35.25 मीटर. क्योंकि ये प्रॉब्लम सम्स हैं, तो प्लीज आप एग्जाम में भी पूरा यू नो राइट द फुल सेंटेंसेस, डोंट जस्ट ऐड देम डायरेक्टली, तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. ठीक है, अगर आप डायरेक्टली ऐड करोगे. सो देन वी हैव क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ट्राउजर्स. ठीक है, ट्राउजर्स की बात करते हैं, तो ये कितना होगा? दिस विल बी 45.80 मीटर. ठीक है, सो इसका मतलब क्या आप समझ रहे हो ना, इट इज 45 मीटर्स एंड 80 सेंटीमीटर. सिमिलरली दिस इज 35 मीटर्स एंड 25 सेंटीमीटर्स. राइट, तो इनको ऐड कर लेते हैं, टोटल कितना चाहिए? ठीक है, नीड इन ऑल का क्या मतलब होता है? टोटल होता है 35.25 एंड 45.80. लेट्स ऐड देम. 5, 8, 9, 10, 5 of 10 एंड 11, और ये कितना हो जाएगा? 8. सो टोटल उसे चाहिए 81 मीटर एंड 0.05 सेंटीमीटर. सो इसको अगर मुझे टोटल लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? इट विल बी 81.05 मीटर. सो दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ दैट इज रिक्वायर्ड. सो आई होप इतना आपको क्लियर है. दिस वॉज बेसिकली अ रीकैप ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस क्लासेस. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डू आर मेन टॉपिक दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स. तो अब हम सीखेंगे कि हाउ डू वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डेसिमल्स, एंड ऑफकोर्स वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू ऑपरेशन, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू क्वेश्चन, सो दैट हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से हमें याद हो जाए. ठीक है, ओके. फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न मल्टीप्लीकेशन बाय 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन. ठीक है, जब मेरे पास जीरोज होते हैं देन हाउ एम आई गोइंग टू मल्टीप्लाई द डेसिमल नंबर्स. ठीक है, ओके, सबसे पहले वी हैव 2.5 इंटू 10. ठीक है, सो इसमें बेसिकली ऑल यू हैव टू डू इज, देखो इसका मतलब क्या होता है. ठीक है, अगर मैं इसको फ्रैक्शंस की फॉर्म में एक बार लिख लेती हूँ, 2.5 को मैं 25/10 लिख सकती हूँ, देन इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 10. सो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाता है एंड माय आंसर इज गोइंग टू बी 25. ठीक है, तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि जितने नंबर ऑफ जीरोज है ना, उतने प्लेसेस टूवर्ड्स द राइट डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा. तो मल्टीप्लीकेशन में हम कहाँ जाते हैं? वी गो टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड. सो दिस इज 2.5, एक जीरो था तो ये राइट हैंड साइड शिफ्ट होकर डेसिमल इधर आ गया. इसका मतलब क्या हुआ? 25.0. ठीक है, डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती. वी नो दैट जीरो हैज नो वैल्यू आफ्टर द डेसिमल. सो माय आंसर इज गोइंग टू बी 25. ठीक है, ओके. नाउ आई हैव 3.25 इंटू 10. अब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ इस डेसिमल नंबर को. कितने जीरोज हैं? एक जीरो है. सो लेट्स मूव वन प्लेस टूवर्ड्स द राइट. तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 32.5. ठीक है, ओके. सिमिलरली, ओके, इफ आई हैव 2.5 इंटू 1000. ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? अब मेरे पास थ्री जीरोज हैं तो मुझे थ्री प्लेसेस टूवर्ड्स द राइट जाना है. ठीक है, तो ये था मेरा 2.5. सो लेट्स गो थ्री प्लेसेस टूवर्ड्स द राइट. 1, 2, 3. मेरा डेसिमल आ गया यहाँ पर एंड यहाँ मुझे टू जीरोज डालने पड़ेंगे. एंड डेसिमल के बाद जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती. सो माई आंसर इज गोइंग टू बी 2500. सो इफ यू डू नॉट हैव इनफ डिजिट्स, हम उसकी जगह जीरो लगा देंगे. बट डेसिमल वी मूव दैट मेनी प्लेसेस टूवर्ड्स द राइट जितने मेरे पास जीरोज होंगे. आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन. ठीक है, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ जीरोज एंड टेक द डेसिमल टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड. ओके, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. ओके, फर्स्ट इज 5.63 इंटू 1000. तो थ्री प्लेसेस टूवर्ड्स द राइट जाना है, 1, 2, 3. तो यहाँ पे मेरा डेसिमल पॉइंट था, यहाँ जीरो था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यू डोंट हैव टू डू दिस स्टेप. सिंपली योर आंसर इज 5630. राइट, easy one. So I hope all of you are solving along with me. साथ साथ मेरे solve करने से पहले solve कर लिया करो, ताकि you know आपके confidence आ जाए and that you can see that your answers are actually correct. Okay, solve this one.
giving you 15 seconds. 0.07 into 1000. Just count the number of zeros. Okay. 0.07. अब मुझे कितने places right जाने बेटा? 3 places. 1, 2, 3. तो यहाँ आ गया मेरा 0. एंड यहाँ पे इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो बेसिकली ये 0.0070 है. एंड हमें ये भी पता है कि डेसिमल से पहले जो आगे जीरोस लगे होते हैं उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती. सो माय आंसर एट द एंड इज गोइंग टू बी 70. ठीक है, इसको भी मैं हटा सकती हूँ, ये जीरो मत हटा देना. ठीक है, 70 होगा आंसर. एंड इससे पहले वाले जीरोज डजंट मैटर, क्योंकि 0.08 का मतलब 80 होता है ना, 80 का मतलब 80 होता है. ठीक है, बट अगर मेरे इसके आगे जितने मर्जी जीरोस लगा दूं, इट डजंट हैव एनी वैल्यू, आंसर 80 आएगा. ठीक है, चलो आई होप यू पीपल ऑल्सो गॉट 70 एज योर आंसर. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट वी हैव 43.71 इंटू कितने जीरोज हैं? वी हैव 4 जीरोज. ठीक है, सो 43.71, सो 1, 2, 3, 4. तो ये हो गए मेरे 2 जीरोस, और यहाँ डेसिमल को मैंने साइड पे फेंक दिया. सो माय आंसर इज 43710. सो दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर, राइट? सो आई होप मल्टीप्लीकेशन बाय टेंस, यू नो, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड सो ऑन इज क्लियर टू यू पीपल. इन मल्टीप्लीकेशन वी मूव टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, एंड डिविजन में हम जाते हैं लेफ्ट में, जो अभी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ओके. नाउ वी हैव मल्टीप्लीकेशन बाय अ होल नंबर. ओके, होल नंबर से किस तरह से वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर. जैसे नाउ आई हैव 3 इंटू, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एनी थिंग, 5.2. ठीक है, सो अब इस केस में क्या करना है, डेसिमल को अभी हमें भूल जाना है. वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट लाइक होल नंबर्स. ठीक है, इसको होल नंबर्स की तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, बेसिकली वी आर गोइंग टू डू 52 इंटू 3. ठीक है, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 156. अब आते हैं वापस डेसिमल पे. अब इन टोटल इस पूरी क्वेश्चन में डेसिमल के बाद कितने नंबर है? एक ही नंबर है डेसिमल के बाद. ठीक है, सो अब राइट हैंड साइड से एक नंबर काउंट करके मैं यहाँ डेसिमल डाल दूंगी. ठीक है, सो माय आंसर इज गोइंग टू बी 15.6. ठीक है, राइट हैंड साइड से काउंट करना है और एक प्लेस छोड़ के डेसिमल डाल दूंगी, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही नंबर था. ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस. ओके, नाउ आई हैव 0.09 इंटू 17. डेसिमल्स को अभी भूल जाओ, बचता क्या है मेरे पास? 9 इंटू 17. ठीक है, सो ये कितना होगा? 7 9 63, 9 1 9 10. सो दिस इज 103 आई बिलीव. ठीक है, सो अब मुझे 103 को, ओके, 9, ओके, सॉरी, दिस इज नॉट 10, दिस इज 15. ठीक है, दिस इज 153, राइट? सो अब मेरा है 153 आंसर आया है. अब देखो, डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं. ठीक है, टू डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, तो राइट हैंड साइड से लेट्स काउंट टू डिजिट्स, एंड यहाँ मैंने डेसिमल डाल दिया. सो माई आंसर इज 1.53. ठीक है, सो बी केयरफुल कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे, एंड देन यू कैन पुट इट, राइट? ओके, नेक्स्ट वी हैव अगेन 3056 इंटू 20. ठीक है, अभी के लिए मैं डेसिमल भूल गई हूँ. सो बेसिकली 3056 इंटू 2 करना है, फिर हम जीरो लगा देंगे. ठीक है, ओके, 3056 इंटू 2 इज गोइंग टू गिव यू 6112, एंड ये 20 वाला जीरो भी जीरो. ठीक है, अब देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं, 1, 2 एंड 3. यहाँ पे मैंने डेसिमल पॉइंट को ड्रॉप कर दिया. ठीक है, यहाँ से उठा के मैंने इसको 3 प्लेसेस लेफ्ट में पुट कर दिया. सो दिस इज 61.120. सो दिस इज योर आंसर. ठीक है, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, एंड इसको ये वाला जीरो आप हटा भी सकते हो, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती. तो 61.12 इज ऑल्सो राइट. ठीक है, अगर यहाँ पे 61.12000000 जितने मर्जी जीरो थे, डजंट मैटर, इसकी वैल्यू सेम ही है. इट इज सेम एज 61.12. ठीक है, चलो, नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लीकेशन बाय अनदर डेसिमल नंबर. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बाय अनदर डेसिमल नंबर. तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर द डेसिमल्स. ठीक है, लेट्स जस्ट सॉल्व इट लाइक होल नंबर्स. 112 इंटू 15.
112 इंटू 15 करना है. सो अगेन आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत काम आती है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये कौन से चैप्टर में हमने की थी, इंटीजर्स में. एंड वहाँ पे भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बहुत यूजेस देखे थे जब हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स कर रहे थे. सो इसमें भी क्या करते हैं, 112 इंटू, कैन आई राइट इट एज 10 प्लस 5, 15 को 10 प्लस 5 लिख सकते हैं. अब ये जो 12 है 10 से भी मल्टीप्लाई, 112 10 से भी मल्टीप्लाई होगा एंड 5 से भी मल्टीप्लाई होगा. सो दिस इज 1120 इंटू 112 इंटू 5. अब सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना थोड़ा ईजी रहता है. ठीक है, सो 112 इंटू 5 इज गोइंग टू गिव मी, ओके यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ही सॉरी एडिशन आएगा, प्लस 560. ठीक है, सो 560 प्लस 1120 एडिशन इज अगेन ऑलवेज ईजियर देन योर मल्टीप्लीकेशन. 1680 आ रहा है मेरा आंसर. ठीक है, अब मुझे 1680 में डालना है डेसिमल. कितने प्लेसेज हैं डेसिमल के बाद, अ टोटल ऑफ 3 प्लेसेज आर देयर. ठीक है, 3 प्लेसेज हैं, तो 1 2 3 एंड यहाँ पे मैंने अपना डेसिमल गिर दिया. सो माई आंसर इज 1.68. सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, राइट? आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, सो अगेन भूल जाओ जीरोस, भूल जाओ डेसिमल. नंबर क्या बचता है, 2 × 81. ठीक है, सो 2 × 1 = 2, 8 × 2 = 16, तो 162 इज माई आंसर. अब अगेन लेट्स काउंट, कितने हैं, 6 नंबर है. इन टोटल मुझे देखना है कि दोनों को मिलाकर कितने नंबर्स हैं. ठीक है, इधर 3 है, इधर 3 है, तो टोटल 6 नंबर्स आफ्टर द डेसिमल. सो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग नाउ. यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6. यहां डेसिमल को मैंने ड्रॉप कर दिया. सो यहां पे डाल देती हूँ 0, जो खाली जगह होती है वहां 0 डाल देते हैं, और उसके आगे एक डेसिमल. सो माय आंसर इज 0.000162. सो दिस इज योर आंसर. आई होप आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो एंड आपके आंसर्स भी मेरे आंसर से मैच हो रहे हैं. ठीक है, क्योंकि यूट्यूब क्लासेस में तो बच्चों के लाइक क्वेश्चन देखते ही आंसर्स आने शुरू हो जाते हैं. सो बहुत तेज़ है अनअकैडमी के बच्चे, आई एम श्योर, एंड ये भी आपके आंसर्स अच्छे से आ रहे होंगे. ओके, एंड अगेन आई ऑलवेज से इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई क्लियर इट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड ऑल्सो वील बी कमिंग लाइव सून ऑन दिस चैनल. ओके, चलो नेक्स्ट वी हैव 506 × 71. ठीक है, अगेन लेट्स यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जहां मौका मिले ले लेना चाहिए, 70 प्लस 1. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ 506 × 7 करना है. सो दैट डूइंग दिस इज मच ईजियर देन डूइंग 506 × 71, राइट? सो लेट्स मल्टीप्लाई. 506 × 7 इज गोइंग टू गिव यू 3542. ठीक है, प्लस 506 × 1 कितना हुआ, 506. तो दोनों को ऐड करने पे दिस इज 678, ये हो गया 4 5 5 10, एंड 4048 इज योर आंसर. अब कितने डिजिट्स हैं, टोटल ऑफ 3 डिजिट्स, तो 1 2 3. सो माय आंसर शुड बी इक्वल टू 4.048. ठीक है, आई होप आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है. लेट्स चेक. ओके, 5.06 × 7.1. ओके ओके, ठीक है, आंसर थोड़ा सा गलत है क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको सिखाते सिखाते एक जीरो लगाना भूल गई. सो दिस इज 506 × 70, मतलब यहाँ पे भी एक जीरो आएगा. ठीक है, सो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया था, दैट इज 506 × 7. ठीक है, दैट इज 3542, एंड इसके आगे मुझे एक जीरो लगाना पड़ेगा. सो योर एडिशन इज गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट. सो दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, इतना छोटा आंसर नहीं आ सकता. सो 3542 0 प्लस 506 इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, इट इज 35926. ठीक है, एंड नाउ वी विल पुट द डेसिमल्स 1 2 3. सो माई आंसर इज 35.926, राइट? सो यस, बी वेरी केयरफुल विद दी जीरो थिंग. ठीक है, आप 506 × 7 करोगे, जल्दी जल्दी से जीरो डालना मत भूल जाना. ठीक है, ऐसी मिस्टेक हो सकती है. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट वी हैव 0.013 × 0.04. अगेन 13 × 4 करना है सिर्फ अभी के लिए मुझे. ठीक है, 4 3 = 12
एंड फोर वन जो फोर सिक्स, तो 62 आ रहा है आंसर. ठीक है, 13 इंटू फोर इज 62. एंड नाउ आई विल पुट द डेसिमल्स. ठीक है, सॉरी दिस इज 52. तो अब कितने प्लेसेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5. फाइव प्लेसेस हैं. ठीक है, तो मुझे फाइव प्लेसेस छोड़ के डेसिमल पुट करना है. 1, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ पे आएगा मेरा डेसिमल, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे आई एम गोइंग टू फिल इट विद जीरोस. सो माय आंसर इज 0.00052. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. बी केयरफुल वाइल काउंटिंग द डिजिट्स. ठीक है, फाइव डिजिट्स छोड़ के आना चाहिए इसका आंसर. ओके, सो आई होप मल्टीप्लीकेशन विद अ होल नंबर एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल विद अनदर डेसिमल इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू पीपल. ओके, चलो ये है आपका होमवर्क. पता लगना चाहिए कौन कौन कर रहा है आंसर्स. ठीक है, कौन कौन आंसर्स निकाल रहा है, वी शुड नो दैट. सो दिस वन इज योर होमवर्क. 0.2 × 316.8. तो डेसिमल्स को पहले हटा के मल्टीप्लाई इट विद 2 एंड देन काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस एंड पुट द डेसिमल. ओके, द वेट ऑफ अ बॉक्स इज 150.09 kg. वॉट विल बी द वेट ऑफ 27+ सच बॉक्सेस. तो बेसिकली ये आपका यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, जिसके अंदर कौन सा हमारा ऑपरेशन यूज होने वाला है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स. ठीक है, तो ओके, वन बॉक्स का वेट अगर मेरे पास गिवन है 150.09 kg. ठीक है, तो 27 सच बॉक्स का क्या होगा? एक का गिवन है, ज़्यादा का निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 27 × 150.09. ठीक है, सो अगेन यू कैन मल्टीप्लाई इट लाइक होल नंबर्स एंड देन वील पुट द डेसिमल. ठीक है, तो अब आप इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो. ठीक है, 15009 × 20+7. ठीक है, यू कैन यूज इट दिस वे. अदरवाइज जो आपका फाइनल आंसर है दैट शुड बी इक्वल टू 405243. ठीक है, मतलब 15009 × 27 शुड बी इक्वल टू 405243. ठीक है, अब मेरे पास कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 2 हैं, सो 1 और 2. सो माय आंसर इज 4052.43 kg. सो दिस इज द वेट ऑफ हाउ मेनी बॉक्सेस? 27 बॉक्सेस का वेट इतना आएगा. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. यूनिटरी मेथड यूज किया है, एक का गिवन है, ज्यादा का निकालना है. ओके, चलो जस्ट अ सेकेंड गाइज. ओके, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 3.6 meter. सो बेसिकली एरिया ऑफ स्क्वायर का आपको इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए. ठीक है, ये एक स्क्वायर है, इसकी एक साइड की मुझे लेंथ गिवन है 3.6 meter. 3.6 या 3.60 या 3.600, इट इज़ द सेम थिंग. ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? इट इज़ इक्वल टू साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर. तो साइड अगर 3.6 है तो इट इज़ 3.6 × 3.6, राइट? सो टू डेसिमल नंबर्स हैं, सो बेसिकली आपको 36 × 36 करना है. यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 36. ठीक है, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 1296, राइट? एंड कितने डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल? 2 डिजिट्स, सो 1 और 2. सो योर आंसर इज 12.96 meter square. डोंट फॉरगेट टू पुट द स्क्वायर. जो भी एरिया निकालते हैं हम किसी भी फिगर का, तो उसका जो यूनिट होता है दैट इज मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, as given in the question. So this is 12.96 meter square. ठीक है, otherwise if you multiply 3.6 × 3.6, your answer is 12.96 only. Okay, चलो next and the last topic of our decimal numbers is division of decimals. ठीक है, ये भी बहुत important topic है. Let's see. First we are going to do division by 10, 100, 1000, basically zeros के साथ. ठीक है, सो दिस इज 142.45 इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 10. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इसमें हम उल्टा चलेंगे. ठीक है, इसमें हम मल्टीप्लीकेशन के उल्टा चलेंगे. उसमें वी वर गोइंग टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, इन दिस वी आर गोइंग टू गो टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. तो देखो कितने जीरोज हैं, एक जीरो है, तो क्या करो, डेसिमल को उठा के लेफ्ट में शिफ्ट कर दो. सो दिस इज 14.245. ठीक है, जितने जीरोस हैं उतने प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट जाना है. ओके,
Let's see some more examples. First is 459.5 divided by 100. तो क्या करना है, टू प्लेसेस टूवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है, यहाँ से डेसिमल उठा के वहां पे डाल दिया. सो दिस इज 4.595. सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर. सेकेंड देखते हैं, दिस इज 774.3 डिवाइडेड बाय 1000. अब थ्री जीरोज हैं तो 1, 2, 3 यहाँ पे उठा के डाल दिया डेसिमल, यहाँ पे खाली जगह हमें भरनी थी तो यहाँ पे डाल दिया जीरो. सो माय आंसर इज इक्वल टू हाउ मच, 0.0743. तो बाकी के सारे नंबर इकट्ठे आ जाएंगे और डेसिमल उठ के थ्री प्लेसेस टूवर्ड्स द लेफ्ट हो जाएगा. सो दिस इज योर आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है, आई होप यू हैव गॉटन द सेम आंसर्स एज माइन. ठीक है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि करेक्ट आंसर आया है. ठीक है, गलत तो मेरा भी हो सकता है. एनीवे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल प्लेसिंग द जीरोस एंड काउंटिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. डिविजन विद अ होल नंबर. ठीक है, अब डिविजन विद अ होल नंबर भी कैसे करेंगे. सो दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ योर फ्रैक्शंस. ठीक है, क्या करते हैं, पहले लेट्स कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शंस. ओके, 76 इज गेटिंग डिवाइडेड बाय, अब 19 को अगर मुझे फ्रैक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है कितना आएगा, 19 अपॉन 1000, यही आएगा ना. यहाँ डेसिमल के नीचे 1 एंड जितने नंबर्स हैं उतने जीरोस हो जाते हैं. सो दिस इज 19 अपॉन 1000. ठीक है, अब ये क्या बन गया, दिस इज बिकम माई फ्रैक्शन फॉर्म. अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो फ्रैक्शंस की जो डिवीजन है हम कैसे करते हैं. सो दिस इज 76, ये जो डिवीजन का साइन है बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन, एंड इन नंबर्स का क्या हो जाएगा, वी विल टेक द रेसिप्रोकल. सो दिस बिकम्स 1000 डिवाइडेड बाय 19. ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय 19, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. सो 19 इंटू 4 विल गिव यू 76. सो ये कितना हुआ, 4 इंटू 1000 विच इज 4000. सो योर आंसर शुड बी इक्वल टू 4000. ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. 88 इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 0.08. अगेन लेट्स जस्ट कन्वर्ट इट इन टू फ्रैक्शन फॉर्म, कितना हो जाएगा, 8/100. सो दिस इज 88, ये डिविजन बन गया है मल्टीप्लीकेशन, एंड इसके बाद हमने ले लिया रेसिप्रोकल. सो बेसिकली इसका मतलब ऐसे होता है ना, 88 डिवाइडेड बाय 8/100, तो ये ऊपर चले जाता है 100, एंड जो 8 है वो डिनोमिनेटर में रह जाता है. सो ये हो जाएगा 100/8. सो 8 × 11 इज 88. सो माई आंसर इज 1100. So this is your answer. I hope it's clear to everyone. Then we have division with another decimal number. तो इसके अंदर क्या सीन है, ये देखो, इसको अगर मैंने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया, दिस इज 13.5 को अगर मैंने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, 135 डिवाइडेड बाय 10 हो गया. ठीक है, देन इट इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 2.7. सो 2.7 को कैसे लिखूंगी, 27/10, राइट. अब वही वाला रूल जब मैं यूज करती हूँ ना किड्स, तो ये क्या बनता है, 135/10, ये बन जाता है मल्टीप्लीकेशन, एंड इसका हो गया देखो रेसिप्रोकल, इसका हो गया रेसिप्रोकल. ठीक है, ये एंड ये तो कैंसिल आउट हो गए, 10 से 10 हमेशा ही कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस इज अ रूल कि जब भी दोनों में डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल है, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, तो उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, आई विल सिंपली इलिमिनेट द डेसिमल. सो ये कितना बन जाएगा, 13.5 था ना डिवाइडेड बाय 2.7. सो यहाँ पे भी एक ही नंबर है, यहाँ पे भी एक ही नंबर है, तो ये जो डेसिमल्स हैं इनको उड़ा दो, क्या बचेगा एट द एंड, जो यहाँ पे बच रहा है 135 डिवाइडेड बाय 27, एंड दिस इज ऑल्सो 135 डिवाइडेड बाय 27. सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. ठीक है, ओके, अदर देन दैट यू कैन ब्रिंग इट इन द लोएस्ट फॉर्म ऑल्सो. ठीक है, सो 27 × 5 इज इक्वल टू 135. सो योर आंसर शुड बी इक्वल टू 5, राइट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सेम, ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल है, तो मैं क्या करूंगी, डेसिमल को सीधा उड़ा दूंगी. लेट्स जस्ट डू अवे विद द डेसिमल. ठीक है, सो ये उड़ गया, ये उड़ गया, क्या बचा, 775/25.
5. सो आप इसको 5 से कैंसिल आउट कर सकते हो. यू कैन चेक इट डायरेक्टली विद 25. सो 25 इंटू 3 इज 75, बचा कितना 2 एंड 5 एंड 25 इंटू 1. सो योर आंसर शुड बी इक्वल टू 31. ठीक है. सो इसमें आपको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी. राइट. ओके. व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल आर नॉट सेम, तो इस केस में देखो क्या होता है. 3.96 डिवाइडेड बाय 0.4. एक बार इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. 396 डिवाइडेड बाय 100 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/10. अब अगर हम अपनी पुराना वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ऑफ टेकिंग द रेसिप्रोकल, तो ये कितना बचेगा, 10/4. तो दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचता है, 396/40. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द मेथड जिससे आप सॉल्व कर सकते हो. ये आपका होल नंबर की फॉर्म में आ गया एंड यू कैन सॉल्व 396 डिवाइडेड बाय 40. ठीक है. सो ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आना चाहिए 9.9. ठीक है. ब्रिंग इट इन द लोएस्ट फॉर्म या फिर व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली डिवाइड इट ऑल्सो एंड योर आंसर विल बी 9.9. ठीक है. सो बेसिकली इसमें क्या हुआ, 3.96/0.4 था. यहाँ पे कितने प्लेसेस हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो नीचे वाले नंबर था उसकी जो डेसिमल को है 2 प्लेसेस टूवर्ड्स द राइट शिफ्ट कर दिया. ठीक है. तो ये कितना बन गया था, ये 40 बन गया. सो दिस बिकम्स 396 डिवाइडेड बाय 40. ठीक है. विच इज हियर, दैट इज आर सेम नंबर मेरे को मिल जाता है वहाँ पे. ओके. सो जितने डिजिट्स के बाद डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हमारे न्यूमरेटर में, ठीक है, उतने ही टू प्लेसेस टूवर्ड्स द राइट आई एम गोइंग टू शिफ्ट माय डेसिमल. ठीक है. क्लियर टू एवरीवन. लेट्स सी दिस वन. 765/10 गेटिंग डिवाइडेड बाय 15/100. ठीक है. तो इसमें भी सेम ही केस बनेगा. देखो 765/10 इंटू 100/15. ठीक है. ये हो गया कैंसल आउट, कितना है, दिस इज 7650 डिवाइडेड बाय 15. ठीक है. सो लेट्स सॉल्व इट. आंसर कितना आया, 7650 डिवाइडेड बाय 15. सो योर आंसर शुड बी इक्वल टू 510. सो 510 इज योर राइट आंसर. ठीक है. सो प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड इट इज अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर ऑल्सो. ठीक है. काफी स्कोरिंग भी है. एंड जस्ट अ सेकेंड. वेयर इज इट. Okay, so this one is going to be your homework. Again, practice this and tell me what will be the answer. 2.73 divided by 1.3. Okay, next we have a problem sum for you. Find the average of. So, average ka kya matlab hota hai beta? Mean hota hai. Average means mean. Aur iska formula kya hota hai? Sum of all digits. Sum of all digits ya fir jitni bhi values hai unka total divided by the number of digits. Divided by the number of digits. So basically अब मुझे sum करना है इसमें. This is the use of decimals या किस तरह, it's an application of decimals. ठीक है. Addition of decimal कर रहे हैं and at the same time also dividing. तो number of digits कितने हैं, 3, 4.2, 3.8 and 7.6. So when you are going to add them, answer कितना आना चाहिए, 3.8 plus 7.6. It is equal to how much, 15.6 divided by 3. ठीक है. सो इस केस में व्हाट यू कैन डू, जब जैसे डिवीजन हो रही है बाय होल नंबर, नॉर्मल भी डिवीजन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. इस तरह की डिवीजन कैसे होगी, 3 5s 15, दिस इज 0. यहाँ पे डेसिमल था तो यहाँ पे एक डेसिमल लग जाएगा एंड 6 को नीचे ले आएंगे. 3 2s 6, राइट. सो रिमाइंडर आ गया 0. सो माई आंसर इज 5.2. तो मेरा एवरेज क्या है, मीन और द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इज गोइंग टू बी 5.2. तो आप डायरेक्ट डिवीजन भी कर सकते हो अगर मेरे पास इजी नंबर्स हैं. ओके ओके
Okay, each side of a regular polygon is 2.5 centimeter in length. The perimeter of the polygon is 12.5. How many sides does a polygon have? ठीक है, तो मेरे को ये नहीं पता कि कौन सा पॉलीगन है. वी नो व्हाट इज पॉलीगन, इट इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि कितनी साइड्स हैं इसकी, पर मुझे इतना पता है कि टोटल जो लेंथ है, ठीक है, जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 12.5 है. इसको जैसे एक वायर मान लो और इस वायर को इस तरह से मैंने घुमा के कोई भी पॉलीगन की शेप देनी है. ठीक है, साइड, ईच साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज 2.5. रेगुलर का मतलब होता है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल. ठीक है, तो मुझे 12.5 को 2.5 के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. अब मुझे ये नहीं पता कितने पार्ट्स बनेंगे. सो 12.5 को अगर मैं 2.5 के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, आई विल गेट द नंबर ऑफ साइड्स. तो ये बन जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि सेम नंबर ऑफ डिजिट्स थे तो ये जीरो एंड डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, देन यू गेट 125 डिवाइडेड बाय 25 एंड योर आंसर इज गोइंग टू बी 5. सो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, इट विल बी 5 साइडेड पॉलीगन. ठीक है, इस तरह से बनते ना, 1 2 3 4 5, इस तरह से. ठीक है, एंड एवरी साइड हैज द सेम लेंथ. तो ये 2.5 है, 2.5 है, 2.5, 2.5 एंड 2.5. अब आप इसको ऐड करो तो आप देखोगे आपका जो आंसर है वो 12.5 ही आएगा. सो बेसिकली यू हैड टू डिवाइड इट. ओके, दिस वन इज अगेन योर होमवर्क क्वेश्चन. डू टेल मी आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. ठीक है, तो 1 लीटर में कितना होगा. ठीक है, 2.4 लीटर्स में वो कवर कर रहा है 43.2 किलोमीटर. ठीक है, तो 1 लीटर में कितना होगा, ज्यादा का गिवन है, एक का निकालना है, तो हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज डिवाइड इट. तो बेसिकली आपको डिवाइड करना है एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. राइट, सो दैट्स ऑल इन द टॉपिक ऑफ डेसिमल्स. आई होप यू गॉट इट. ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कॉमेंट्स में, एंड डू ऑल्सो गिव मी द आंसर्स ऑफ द होमवर्क क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन. राइट, एंड देन इट इज़ अबाउट द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसके बारे में आपको क्लास के स्टार्ट में बता रही थी, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स एंड बहुत कम कॉस्ट है. लर्न लाइफ फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम. ठीक है, ट्यूशन्स पे इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स की ट्यूशन आपको घर बैठे हुए मिल जाएगी. अनलिमिटेड एक्सेस है, द वीडियोज आर गोइंग टू बी ऑन यू नो आर गोइंग टू बी अवेलेबल टू यू ऑल द टाइम ऑन द अनअकैडमी ऐप, एंड आप उसे कभी भी व्यू कर सकते हो, एग्जाम से पहले, होमवर्क के टाइम, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग. टेस्ट मिलते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, नोट्स, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, बैच कोर्सेज, सारा सिलेबस कवर होता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एंड सबसे बड़ी बात, टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं. इतनी बड़ी कंपनी के टॉप एजुकेटर्स आर गोइंग टू बी टीचिंग यू. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, प्राइसिंग की बात करते हैं, तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है. ठीक है, आप डिफरेंट पैकेजेस ले सकते हो, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड सो ऑन. पर मंथ कॉस्ट बहुत कम रहती है. ठीक है, आप पर मंथ पेमेंट भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 मंथ्स का ले रहे हो. ठीक है, सो यू हैव टू पे ओनली ₹1200 पर मंथ. ठीक है, ₹1200 में सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं आपके, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, हिंदी, इवन कंप्यूटर एंड संस्कृत. राइट, एंड ऑफ कोर्स इतना कम प्राइस एंड 10% ऑफ भी मिल रहा है यूजिंग द कोड SPGSS10. तो ये कोड जरूर यूज कर लेना टू गेट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एट सच लो कॉस्ट. ओके, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. आपको गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, यू कैन इवन टॉक टू एन एक्सपर्ट. राइट, मूविंग फॉरवर्ड, आइकॉनिक में क्या है, प्लस के सारे फीचर्स के एडिशन में आपको क्या मिलेगा, पर्सनल मेंटर, एक टीचर, एक स्टूडेंट, इन सारा फोकस आप पे होगा. ऑल योर बेसिक्स आर गोइंग टू गेट क्लियर्ड. स्टडी प्लानर मिलेगा, टाइम टेबल मिलेगा, वीकली रिपोर्ट मिलेगी कि कितना प्रोग्रेस कर रहे हो एंड एवरीथिंग. सो यू विल बी द मेन फोकस, एंड इससे आपकी बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो सकती है. यू कैन एस योर एग्जामिनेशन एंड टॉप इट. राइट, मूविंग फॉरवर्ड, आइकॉनिक की प्राइजेस थोड़ी सी ज़्यादा है, बट अगेन पर मंथ कॉस्ट इज़ वेरी लेस. राइट, इसमें भी आप मंथली पेमेंट कर सकते हो, एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 मंथ्स का लेते हो तो ओनली ₹2333 पर मंथ. राइट, एंड इतने सारे बेनिफिट्स. सो आपके पेरेंट्स के लिए भी ये काफ़ी ठीक रहेगा, क्योंकि इस पे सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं एंड दे डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी थिंग. ठीक है, सो अगेन 10% ऑफ के लिए डू यूज़ द कोड SPGSS10. Right, so that's all. Thank you so much. Don't forget to like, subscribe, and share to our channels. And let's crack it with Unacademy. Thank you. Bye bye. Take care.